यवतमाल जिले के दिग्रस नगरपालिका मुख्य अधिकारी माधुरी मड़ावी ने शुक्रवार को नगरपालिका सभागृह में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान शहर में अब तक किए गए अतिक्रमण हटाने, मोटर पंप की जब्ती, अवैध नल कनेक्शन, कृत्रिम जल संकट आदि सहित ओपन स्पेस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। दिग्रस शहर में जब से माधुरी मड़ावी का आगमन हुआ है तब से नालियों पर किए गए अतिक्रमण, अवैध नल कनेक्शन, नलों की मोटरों की जब्ती की कार्रवाई धड़ल्ले से जारी है। इन सभी कार्रवाई को लेकर जहां ज्यादातर लोगों में हर्ष है, वहीं अवैध कब्जों में लिप्त लोगों के होश फाख्ता हो चुके हैं। वहीं आम लोगों में पालिका प्रशासन द्वारा जारी कार्रवाई को लेकर संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसी संभ्रम को दूर करने के लिए शुक्रवार को पालिका सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर संत श्री संताजी जगनाड़े महाराज की जयंती के मौके पर मुख्याधिकारी मड़ावी ने जगनाड़े महाराज की प्रतिमा को माल्यार्पण कर प्रेस वार्ता का आरंभ किया। प्रेस वार्ता के दौरान पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने उनके द्वारा अब तक की गई सभी कार्रवाइयों का लेखा जोखा पेश करते हुए शहर के विकास, अतिक्रमण, जलापूर्ति, अवैध नल कनेक्शन सहित विभिन्न नागरिक समस्याओं और लोगों की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में चर्चा कर लोगों से उन्हें सहयोग देने का आह्वान किया। आजपर्यंत दिनांक 1 डिसेंबर पासन तर आज 8 डिसेंबर पर्यंत जी सर्वे केला आम्ही अवैध नळ कनेक्शनचा, त्याच्यामध्ये आम्हाला 167 नळ कनेक्शन्स हे अवैध आढळून आले आणि बाकी मोटारी लोकांनी जवळपास 70 ठिकाणी आम्ही मोटारी जप्त केल्या आणि काही ठिकाणी नळाला तोट्यास नाही आणि म्हणजे नाल्यांमध्ये नळाचं कनेक्शन आहे आणि तोटा नसल्यामुळे मोटारी लावत असल्यामुळे लोकांना पाणी येत नव्हतं आणि आज तुम्ही बघू शकता की जेव्हा नळ म्हणजे मोटारी बंद केल्या तर एवढा म्हणजे 50 फुटापर्यंत पाण्याचा फोर्स जाईल एवढा आम्ही एवढ्या फोर्सनी पाणी देतो, एवढ्या ग्रॅव्हिटीने पाणी येते आणि म्हणून आज तुम्ही बघत असाल की 8 दिवसांमध्ये सगळ्यांकडे ज्यांच्याकडे कधी पाणी आलंच नव्हतं अशा सगळ्यांना पाणी मिळत आहे। म्हणून सगळ्या जनतेला एक नम्र आवाहन आहे की कोणीही मोटारी लावू नये आणि जे नळ आहे त्या नळांना स्टँड लावा, स्टँड लावून त्याला तोटी लावा आणि तोटीने मग पाणी तुम्ही घरापर्यंत घेऊन जा तर सगळ्यांना पाणी मिळेल आणि जे कोणी अवैध नळ कनेक्शन घेतलेल्या ज्यांचे आम्ही बंद केले त्यांनी नगरपालिकेमध्ये येऊन ते टॅक्स भरून तो नळ कनेक्शन वैध करून घ्यावं आणि अतिक्रमणाचा जो विषय आहे ज्यांनी ज्यांनी नाल्यांवर अतिक्रमण केलं आहे स्पेशली सांडपाणी किंवा मग घाण पाणी जे वाहून जाते त्या नाल्यांवरचं अतिक्रमण स्वतः लोकांनी काढून घ्यावं नाहीतर आम्ही तर काढून ते नाले स्वच्छ करणारच आहोत आणि ज्या ठिकाणी पुन्हा जी अव्यवस्था आहे आणि आता जे प्रेस कॉन्फरन्समध्ये आपण सगळ्या सन्माननीय पत्रकारांनी ज्या काही सूचना आम्हाला दिलेल्या त्या सगळ्या सूचनांचा सुद्धा आम्ही विचार करून त्याच्यावर अभ्यास करून लवकरात लवकर ते पण आम्ही कारवाई करण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। इस पत्र परिषद के दौरान माधुरी मड़ावी ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने भी अतिक्रमण किया है वे स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा ले वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहे। इस तरह से जब उनसे जलापूर्ति की समस्या के संदर्भ में सवाल किया गया तब उन्होंने एक परिसर में पहुंचकर बगैर मोटर लगाए पाइपलाइन में पानी के प्रेशर का वीडियो दिखाते हुए जल संकट को कृत्रिम जल संकट करार देते हुए नलों से मोटरें निकालने का जनता से आह्वान किया। इस दौरान शहर के मुतरी घरों का सर्वे कर मुतरी घरों को पूर्ववत शुरू करने का आश्वासन माधुरी मड़ावी ने दिया है। मड़ावी ने कहा है कि पालिका के पास फिलहाल अत्यल्प निधि है, नई पाइपलाइन के काम को गति देने के लिए राज्य सरकार कोष में पालिका द्वारा 10% निधि यानी लगभग 2 करोड़ रुपए जमा करवाना अनिवार्य है। इसके अलावा इस पत्र परिषद में शहर में कुछ कथित अमीरों ने अपने राजनीतिक प्रभाव से नगर पालिका की ओपन स्पेस की जमीनों पर जो अवैध कब्जा जमा रखा है उस पर भी मुख्याधिकारी का ध्यान आकर्षण किया गया। शहर में एक निजी अस्पताल प्रशासन ने नगर पालिका की जमीन पर कैंटीन खुलवा कर जो गोरख धंधा शुरू किया है और साथ ही साथ एक निजी स्कूल के सामने स्थित ओपन स्पेस की जगह को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा बंग लेआउट की ओपन स्पेस की जमीन भी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई है। इस तरह से शहर भर में कथित रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने पालिका के जमीनों के साथ जो कालाबाजारी शुरू की है उस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। माधुरी मड़ावी ने भी पत्रकारों को नगर पालिका के हद में आने वाली हर समस्या और अवैध कब्जों का निपटारा करने का आश्वासन दिया है। NBC News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।